हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस चांद क्लास टेंथ फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने 4 नंबर तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर बी दे रहा है कि ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। कह रहा है कि किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर की अगर बात करें बच्चों, तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे उसी सेम डिस्टेंस पे आपको इमेज भी मिलेगा। ठीक है, ये प्लेन मिरर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कह रहा है कि ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन के थ्रू कैसा इमेज बनता है बच्चों? इसमें बनता है आपका रियल इमेज। कैसा इमेज बनता है स्टूडेंट्स? रियल इमेज। ठीक है, 6th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस टाइप का मिरर चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज? पहली कंडीशन दे रहा है कि इमेज कैसी हो, वर्चुअल हो। दूसरी कंडीशन दे रहा है बच्चों कि जो साइज हो वो कैसी रहे, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज हो उसी सेम साइज का इमेज भी फॉर्म हो। ये कंडीशंस अगर अप्लाई करोगे तो कौन सा मिरर चाहिए हमको? सिंपल सी बात है बच्चों, प्लेन मिरर चाहिए। ठीक है, प्लेन मिरर के थ्रू हम वर्चुअल इमेज गेन करते हैं, सेम साइज का इमेज गेन करते हैं। ठीक है, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज रहेगी उसी सेम साइज का हमको इमेज भी मिलता है। ठीक है, किसके थ्रू? प्लेन मिरर के थ्रू। ठीक है, 7th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेना इन विच द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर। कह रहा है कि उस फेनोमेना का नाम बताओ जिसमें ऑब्जेक्ट का राइट साइड का पोर्शन प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड की तरह दिखता है। ठीक है, राइट साइड दिखाओ तो लगेगा लेफ्ट साइड है वो, तो वो फेनोमेना कौन सा है बच्चों? उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है 8th नंबर का, नेम द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड राइट विद अवर राइट हैंड इट अपीयर्स इन द मिरर दैट वी आर राइटिंग विद लेफ्ट हैंड। सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहां भी क्या होगा, फेनोमेना ही पूछ रहा है कौन सा फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है। अगेन आंसर होगा हमारा लिटरल इन्वर्जन। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों, लिटरल इन्वर्जन होता क्या है। जैसे कि आप अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए, किस लिए खड़े हो गए, मान लो कि फेस देखना है। ठीक है, तो आप अगर खड़े हो और ये वाला हैंड आप क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे खड़े हो जैसे मैं स्टैंड हुआ हूं, तो आपका ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, लेकिन उसमें कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा, क्योंकि उसमें इमेज कुछ ऐसी बनेगी और आपका इधर वाला हाथ दिखेगा ना, जो आपने इधर रखा था, ऐसे करा था तो ये राइट हैंड, और इमेज आपकी कैसी बनेगी, मिरर तो इस साइड है ना, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर है, तो वो आपको ऐसा दिखेगा, आपने इधर वाला हैंड रेस किया था ये, और आपको दिख के इधर रहा है, इधर दिख रहा है, तो राइट हैंड अगर रेस करोगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट रेस करोगे तो राइट दिखेगा। यही क्या बोला जाता है, लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है बच्चों।